चिल्ड्रेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले कहानी जिसका नाम है द फुलिश बॉय, यानी कि एक मूर्ख लड़का। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एवरीवन मस्ट लिसन टू वंस एल्डर्स केयरफुली एंड डू एज द सेम एज इज आस्क्ड। हर किसी को अपने बड़ों की बातें सावधानी पूर्वक सुननी चाहिए और वैसा ही करना चाहिए जैसा कि उन्हें कहा जाए। इफ वन डज नॉट लिसन और अंडरस्टैंड देयर वर्ड्स, वन गेट लॉस्ट एंड कॉल अ फुलिश। अगर कोई अपनी बड़ों की बात नहीं सुनता है, उनकी बातें नहीं समझता है, तो उसे बहुत ज्यादा हानि होती है और कभी कभी वह मूर्ख भी बन जाता है। इन दिस लेसन यू विल रीड द स्टोरी ऑफ सच अ बॉय। इस पाठ में हम ऐसे ही एक लड़के के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। Once upon a time, there lived a boy in England. एक समय की बात है, एक लड़का इंग्लैंड में रहता था। His name was Peter. उसका नाम पीटर था। His father had died in his childhood. उसके बचपन में ही उसके पिताजी गुजर गए थे। His mother was with him. Only his mother was with him. केवल उसकी माता ही उसके साथ थी। His granny lived in a small cottage not far away. उसकी दादी एक झोपड़ी में रहती थी जो उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। One day his mother said, Peter, I'm going to market. Go and spend the day with your granny. एक दिन उसकी माता ने कहा, पीटर मैं बाजार जा रही हूँ, जाओ और अपनी दादी के साथ कुछ समय व्यतीत करो। पीटर ओबेड हिज मदर एंड सून ही वेंट अलॉन्ग द डस्टी पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। पीटर ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और जल्द ही धूल भरे रास्ते से जंगल की ओर होते हुए अपनी रानी के घर पहुंच गया। ही प्लेड इन हिज ग्रैनीज गार्डन ऑल द डे। वह अपनी दादी के बागीचे में सारा दिन खेलता रहा। इन द आफ्टरनून हिज ग्रैनी सेड, पीटर टेक दिस नीडल टू योर मदर केयरफुली। दोपहर होते ही उसकी दादी ने उसे एक सुई दी और कहा, पीटर ये सुई ले जाओ और सावधानी से इसे अपनी माता को दे देना। On the way home, a hay cart passed by Peter. जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसे एक भूसे वाली गाड़ी दिखाई दी। पीटर put the needle in the hay and walked behind the cart. अब पीटर ने सुई को भूसे की गाड़ी में रख दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। At last he reached home, but he could not find the needle in the hay. अब जब वह घर पहुंचा तो उसने सुई को काफी ढूंढने की कोशिश की भूसे वाली गाड़ी में, लेकिन उसे सुई मिली ही नहीं। You are a foolish boy, Peter, mother said to him. माँ ने उसे कहा, पीटर तुम एक नंबर के बेवकूफ लड़के हो। You should have put the needle in your sleeve, not in the hay. तुम्हें सुई को अपने बाजू में रखना चाहिए था, ना कि भूसे के गाड़ी में। The next week, Peter went to his granny's house again. अगले हफ्ते पीटर वापस से अपनी दादी के घर गया। He played there the whole day and later his granny said, Peter, take this knife to your mother. वह सारा दिन अपनी दादी के घर खेलता रहा। बाद में उसकी दादी ने उसे एक चाकू दिया और कहा, पीटर ये चाकू ले जा और अपनी माता को दे देना। पीटर स्टार्टेड ऑफ फॉर होम। पीटर घर की ओर बढ़ने लगा। ही रिमेम्बर्ड हिज मदर्स वर्ड। उसे अपनी माँ की बातें याद आए कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि सुई को तुम्हें बाजू में रखना चाहिए था, ना कि भूसे की गाड़ी में। ही पुट द नाइफ केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव। अब उसने क्या किया, चाकू को लिया और अपने बाजू में लगा लिया। When Peter reached home, the knife was not there. अब जब पीटर घर पहुंचा तो चाकू तो वहां थी ही नहीं। It had fallen out from his sleeve. वह उसकी बाजू से कहीं गिर गया था। Oh foolish boy, said his mother, you should have put it in your pocket. अरे मूर्ख लड़के, उसकी माता ने कहा, तुम्हें तो चाकू को अपने पॉकेट में रखना चाहिए, तुमने उसे अपने बाजू में क्यों लगाया। The next week, Peter played with a little puppy at his granny's house. अब वापस से अगले हफ्ते पीटर अपनी दादी के घर एक छोटे से कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रहा था। इन द आफ्टरनून ही सेड, ग्रैनी कैन आई टेक दिस पपी होम। दोपहर में पीटर ने अपनी दादी से पूछा, दादी क्या मैं इस कुत्ते के बच्चे को अपने घर ले जा सकता हूँ। यस बट लुक आफ्टर इट केयरफुली, सेड हिज ग्रैनी। उसकी दादी ने कहा, ठीक है तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन इसका ध्यान रखना। पीटर स्टफ्ड द पकी इनटू हिज पॉकेट। अब पीटर ने उस कुत्ते के बच्चे को अपने पॉकेट में रख लिया। व्हेन ही टुक द पपी आउट एट होम, इट डिड नॉट मूव। और जब पीटर घर पहुंचा और उसने उस कुत्ते के बच्चे को अपने पॉकेट से बाहर निकाला तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। ओह व्हाट हैव यू डन यू फुलिश बॉय, क्राइड हिज मदर। उसकी माँ चिल्लाते हुए बोली, अरे बेवकूफ लड़के, मूर्ख लड़के, तुमने आखिर ये क्या कर दिया। यू टोल्ड मी टू पुट इट इन माई पॉकेट, सो आई डिड, सेड पीटर। माँ आप ही ने तो कहा था कि पॉकेट में सामान रखने को, तो इसलिए मैं इसे पॉकेट में रख के ले आया।
आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द पपी ओपन्ड हिज आईज, कुछ देर बाद कुत्ते के बच्चे ने अपनी आंखें खोली। यू आर फुलिश पीटर सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, पीटर तुम एक नंबर के बेवकूफ लड़के हो। यू शुड हैव पुल इट विद अ स्ट्रिंग टाइड अराउंड इट्स नेक, तुम्हें इसके गले में एक रस्सी बांध के इसे खींचते हुए लाना चाहिए था। नेक्स्ट वीक पीटर टुक द पपी बैक टू हिज ग्रैनीज हाउस, अगले हफ्ते पीटर उस कुत्ते के बच्चे को लेकर अपनी दादी के घर गया। लेटर ऑन हिज ग्रैनी सेड, हियर इज अ पीस ऑफ मीट, कैरी इट होम टू योर मदर, बाद में उसकी दादी ने उससे कहा, पीटर यहाँ एक मीट का टुकड़ा रखा हुआ है, जाते समय इसे अपने घर लेते जाना और अपनी माता को दे देना। पीटर टाइड द मीट विद अ स्ट्रिंग एंड ड्रैग्ड इट अलोंग बिहाइंड हिम, अब पीटर ने उस मीट के टुकड़े पे रस्सी बांधी और उसे खींचता हुआ ले गया। द पपी फॉलोड पीटर निबलिंग द पीस ऑफ मीट, अब जब पीटर आगे जा रहा था तो कुत्ते के बच्चे भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और मीट को खाते हुए जा रहा था, निगलते हुए, उस पर दांत मारते हुए। When Peter reached home, he had no meat. अब जैसे ही पीटर घर पहुंचा तो उसने देखा, अरे यहाँ तो कोई मीट ही नहीं है। You should have wrap it up in a piece of paper and carried the pocket On your head, said his mother. उसकी जब वो घर पहुंचा तो उसके पास तो कोई मीट था ही नहीं, तो उसकी माता ने उससे कहा कि तुम्हें इसे एक कपड़े में लपेट कर और अपने सिर पर रख के लाना चाहिए था। Next week, Peter's granny gave him a pound of butter. अगले हफ्ते पीटर ने, पी की दादी ने उसे बटर दिया। पीटर रैप द बटर अप इन अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट द पैकेट ऑन हिज हेड, अब पीटर ने उस मक्खन के टुकड़े को एक कपड़े में लपेट दिया, पेपर में लपेट के उसे अपने सिर पर रख लिया। द बटर मेल्टेड इन द सन, अब जैसे जैसे सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी वैसे वैसे मक्खन पिघल रहा था। When he reached home, his mother looked at him and cried out, What is all that yellow stuff on your head and back? जब पीटर घर पहुंचा तो उसकी माँ ने जब उसे देखा तो वो जोर से चिल्लाई और उसने कहा, ये क्या पीला पीला तुम्हारे सिर और कंधे पे लगा है? You are a foolish boy, said his mother. उसकी माँ ने कहा, पीटर तुम एक नंबर के बेवकूफ लड़के हो। His mother scolded him, but Peter was still thinking what wrong he had done. उसकी माँ उसे बहुत डांट रही थी, बहुत सुना रही थी, फिर भी पीटर यही सोच रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि माँ इतनी ज़्यादा गुस्से में है।